मैं जल्दी से अपने दर्शकों को अब ये बताना चाहता हूं कि उनके पास कानूनी रास्ते क्या हैं, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, जो जानकार बता रहे हैं। आइए वॉल पर चलते हैं। ट्रंप के पास अब कौन से कानूनी रास्ते हैं जो वो अपना सकते हैं, क्योंकि हार तो वो स्वीकार करने को अभी भी तैयार नहीं है। वो अगले चुनाव की तैयारी में जुटे हैं और इस चुनाव में भी हार स्वीकार नहीं कर रहे। तो देखिए क्या है कानूनी रास्ता ट्रंप के पास। 1887 में आए इलेक्टोरल काउंट एक्ट के तहत राज्यों को यह तय करना होगा कि चुनावी मुकदमों को इलेक्टोरल कॉलेज मीटिंग के 6 दिन पहले तक खत्म कर लिया जाए। यानी इस बार यह मीटिंग है 8 दिसंबर को, 2 दिसंबर उसे 6 दिन पहले यानी 2 दिसंबर के पहले इन तमाम केसों पर फैसला आ जाना चाहिए। और ट्रंप तैयारी कर रहे हैं 10 से ज्यादा केस दायर करने की, कई केस खारिज भी हो चुके हैं उनके। ज्यादातर राज्यों में इलेक्शन डे के बाद 1 महीने तक ही आपत्ति या केस दर्ज कराए जा सकते हैं, लेकिन निपटारा 6 दिन में ही होना चाहिए, क्योंकि 2 दिसंबर तक इस बार इन सारे केसेस का निपटाना होना ही होना है। अमेरिका के कानून के मुताबिक अमेरिका में 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट है। नए राष्ट्रपति का नाम औपचारिक रूप से करने के लिए 14 दिसंबर की डेडलाइन है, और यानी इस दिन इलेक्टोरल कॉलेज की वोटिंग होगी। जीत के लिए 270 सदस्यों का समर्थन जरूरी है, और यह लगता है कि जो बाइडेन के पास इससे बहुत ज्यादा इलेक्टोरल वोट हैं, जो रिजल्ट्स अभी बता रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।